हाय, मैं हूँ जसमीन पटेल और आप देख रहे हैं जस्ट टेक, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। दिस इज स्पेशल स्पेस सीरीज और आज के वीडियो का टॉपिक सजेस्ट किया है हर्ष के आर ने। हर्ष बिहार से है। अगर आप भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हैशटैग जसमीन पटेल एंड हैशटैग जस्ट टेक जरूर लगा देना। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। कुछ दशकों पहले हमारे भारत के टेलीविजन में ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल धारावाहिकों का दौर चल रहा था। वैसे आप सबको याद होगा वो सैटरडे संडे हम लोग टीवी के सामने बैठ जाया करते थे, खास करके रामायण महाभारत की बात होती थी, है ना। तो उसमें भी हमको दिखाया गया था कि समय एक चक्र के रूप में है और इस बात को हम हिंदू धर्म में मानते भी हैं, बड़ा स्ट्रांगली मानते हैं। हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में कुछ देवता लोग टाइम ट्रैवल करते थे, जैसे कि नारद मुनि, अश्विन कुमार, सनत कुमार वगैरह। और ये सब चीज़ें हमारे वेद और पुराण में भी कही गई है और इस बात की पुष्टि हम उस वक्त के किस्सों और बातों से कर सकते हैं, किसी इंसान का भूतकाल से भविष्यकाल में जाना। ये सब जैसे कि रिवत नाम का एक राजा एक बार ब्रह्मा से मिलने के लिए ब्रह्मलोक गया था, तो जब वापस पृथ्वी पर लौटा तो 4 युग बीत चुके थे। उसके बाद भी बहुत सारी बातें, जैसे कि कुछ ऋषि मुनियों का नाम हमने हर युग में सुना है, सतयुग में भी उनका प्रेजेंस था, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था। तो ये सारी बातें मिलाकर हम टाइम ट्रैवल के निष्कर्ष पर आ सकते हैं। और तो और, जापान के कथा के अनुसार युराशिमा टारो नाम का एक मछुआरा एक दिन तूफान में फंसकर एक द्वीप पर पहुंच जाता है। फिर 3 दिन के बाद जब घर पर लौटता है तो 300 साल गुजर चुके होते हैं तब तक। तो ये सब बातें देखकर एक सवाल तो होता ही है कि यार ये टाइम ट्रैवल जैसा कुछ है, मतलब इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक है, फिर ऐसे ही हवाई बातें हैं। तो टाइम ट्रैवल एक संकल्पना है जिसमें इंसान एक समय से दूसरे समय में यात्रा कर सकता है, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं। अगर टाइम ट्रैवल है उसका मतलब ये हुआ कि हम 1947 में भी जा सकते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 2050 में भी जा सकते हैं कि हमारा देश कहाँ तक पहुँचा है ये देखने के लिए। टाइम ट्रैवल यानी कि समय की यात्रा जिसमें हम एक समय से दूसरे समय में यात्रा करते हैं। समय के आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। इसका सबसे पहले उल्लेख 1895 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स उनके उपन्यास में द टाइम मशीन में किया गया था। इस किताब ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था, सब लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, कुछ नया आया था मार्केट में, सब लोग शौक भी थे। और इसके ऊपर फिर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। बहुत ही कंट्रोवर्सीज भी हुई थी कि ये क्या है भाई, और इसकी तो फिल्मों के अंदर भी काफ़ी बार बात की गई है कि हीरो भूतकाल में जाके अपने प्यार को पा लेता है या फिर फ्यूचर में जाके बड़ी सी अनहोनी को रोक लेता है। ऐसी फिल्में आपने कई बार देखी होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टाइम के अंदर ही यात्रा कर रहे हैं, टाइम के अंदर ही हमारा सफर चल रहा है। आप देखो कि हम लोग भूतकाल से निकल कर वर्तमान में होते हुए लगातार फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो स्पीड है, जो सिस्टम है, कुछ इस तरीके से है कि हमको 1 घंटे का सफ़र करने के लिए 1 घंटे बाद का फ्यूचर देखने के लिए 1 घंटे का वक्त लगता है, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ये जो हमारा दर है 1 घंटे का, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा ले या फिर कम कर ले तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। सिंपल करके समझाओ तो मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि हमको 1 घंटे बाद का फ्यूचर देखने के लिए अभी जो 1 घंटा लगता है वहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे का समय हमको लगता है, उसको अगर हम कम कर ले, मतलब हम 15 मिनट में उतना सफ़र तय कर ले कि हमको 1 घंटे बाद की चीज़ें दिखाई दे, तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, है ना। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो परंपरागत फिजिक्स है वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स की ही एक शाखा क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ये पॉसिबल है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान कभी ना कभी ऐसा मशीन ज़रूर बनाएगा, टाइम ट्रैवल मशीन, जिसमें बैठकर ऐसी यात्रा संभव होगी। कुछ वक्त पहले ये माना जाता था कि समय जो है वो निरपेक्ष है, सार्वभौमिक है, मतलब ब्रह्मांड में सब जगह पर समय एक जैसा ही होता है, ऐसा माना जाता था। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का उनका जो सिद्धांत है उसने इस बात का खंडन किया। आई होप कि आपको थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है पता होगा, अगर नहीं है तो हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट में कहूँ तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बात गलत है, समय ब्रह्मांड में सब जगह पर अलग अलग है। ये सिद्धांत कहता है कि 2 घटनाओं के बीच नापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देखने वाला कौन सी गति से जा रहा है। तो जब ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित हुआ उसके आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना फिर की जाने लगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि कोई भी चीज़ जितनी गति से, जितनी तेज़ी से ट्रैवल करेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा। उनका ये भी कहना है कि समय और अंतरिक्ष
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय जो है वो फोर्थ डायमेंशन है, चौथा आयाम है। समय की गति को धीमा या फिर तेज किया जा सकता है। अब वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल करने के लिए कुछ तरीके सोचे हैं, जिसमें उनके सुझाए गए फेरबदल करने से उनका कहना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। वो सारे तरीकों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के बारे में। आल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है, वो कहता है कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा होगा, वहां पर वक्त उतना ही धीमा कटेगा। मतलब जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र के पास आते जाओगे, सेंटर के नजदीक आते जाओगे, वहां पर वक्त धीरे धीरे करके धीमा होता जाएगा। 2010 में यूएसए में एनआईएसटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। दो परमाणु घड़ियों को सेल्स पर रखा गया था, 33 सेंटीमीटर्स की डिफरेंस थी हाइट में दोनों की। तो जो रेट ऑफ टिकिंग होता है, उनसे उन्होंने नापा कि नीचे वाली जो घड़ी थी उसका वक्त बहुत ही धीमा कट रहा था। तो इसे ये स्पष्ट है कि भविष्य में हमको टाइम ट्रैवल करने के लिए बहुत स्ट्रांग ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी, जैसा ब्लैक होल में होता है। उसके बाद बात करेंगे निलंबित एनिमेशन यानी कि सस्पेंडेड एनिमेशन। जब भी हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं, तो हमारे कहने का मतलब होता है कि वो बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का ये भी एक और तरीका हो सकता है कि हम हमारी समय की धारणा को ही कम कर दें, हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें, बाद में उन्हें शुरू करें। बैक्टीरियल स्पोर्स जो निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रहते हैं, जब तक कोई तापमान नमी की कोई सही स्थिति उनके मेटाबॉलिज्म को फिर से शुरू ना कर दे। भालू गिलहरी और भी बहुत सारे जीव है जो हाइबरनेशन की प्रक्रिया में उनके मेटाबॉलिज्म को ही धीमा कर देते हैं, ऑक्सीजन फूड ये सारी जरूरतों को कम कर देते हैं। सी, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अलग से बड़ी बड़ी सीरीज बन सकती है। इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन प्लीज कमेंट, वील ट्राई अवर बेस्ट टू मेक वीडियोस ऑन ऑल दिस टॉपिक्स। उसके बाद और एक तरीका है थियरी ऑफ वर्म होल्स। अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जल्द इसके ऊपर अलग से वीडियो आ रहा है। शॉर्ट में कहूँ तो आइंस्टाइन भाई साहब का सापेक्षता सिद्धांत टाइम ट्रैवल की अनुमति देता है अकॉर्डिंग टू दिस वर्म होल्स एंड ऑल। उसके बाद बात करते हैं प्रकाश का उपयोग करके। अमेरिकी भौतिक शास्त्री रॉन मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। मैलेट के अनुसार स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ लाइट का उपयोग किया जा सकता है। सही ज्योमेट्री भूतकाल में या फिर भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। उसके बाद बात करते हैं गति की। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अगर हम लाइट की स्पीड से यात्रा करें, प्रकाश की स्पीड से यात्रा करें, तो हमारे लिए बाहरी दुनिया के सापेक्ष वक्त धीमा हो जाएगा और इसे कहते हैं टाइम डिलेशन, समय का विस्तार, फैलाव, जो भी आप कहें। विज्ञान में ये बहुत ही रोचक अवधारणा है टाइम डिलेशन। जैसे हमने पहले बात की कि सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय सब जगह पर अलग अलग है, क्योंकि गति और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव पड़ता है समय के ऊपर, और इसीलिए ब्लैक होल के पास में वक्त बहुत ही धीमा गुजरता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रांग है। आइंस्टाइन का कहना है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है मान लो, और उसकी सतह से अगर उसी दिशा में प्रकाश को चलाया जाए, तो प्रकाश की गति और वस्तु की गति दोनों जुड़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि टाइम डिलेशन के अपने यूज़ है, व्यवहारिक यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे GPS सैटेलाइट्स में घड़ियों को सटीक रखने का है। अगर समय के प्रसार के लिए लेखांकन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम ये GPS वगैरह यूज़ ही नहीं कर पाते, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, वो सही रिजल्ट दिखाता ही नहीं हमको, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ अलग टाइम है, स्पीड अलग है, ऊपर कुछ अलग है। क्यों? पहले बताया मैंने, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, ऊपर कम है यहाँ के कंपेरिजन में। इसके बाद बात करेंगे यूनिवर्सल स्पीड लिमिट के बारे में। अक्सर ये सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि क्या होगा अगर हम प्रकाश की गति से, लाइट की स्पीड से भी तेज चलने लगे, और ये कहा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो समय पीछे चलने लगेगा। लेकिन विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति के नीचे एक गति सीमा है, और प्रकृति के पास इसे तोड़ने से रोकने का बहुत ही चालाक तरीका है। जैसे ही हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारे द्रव्यमान हमारी गति के रेशियो में, हमारा जो मास है वो हमारी गति के रेशियो में बढ़ता जाता है। असल में वो द्रव्यमान उस रेशियो से बढ़ता प्रतीत होता है जैसे वक्त धीमा होता जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको पता होगा कि किसी भारी वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे जैसे हमारी चाल बढ़ती है, उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए हमको और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रकाश की गति से किसी भी द्रव्यमान को स्थानांतरित करने के लिए अनंत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, अनलिमिटेड पावर, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकते हैं। ओके, देन आज की बात ये तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, खास करके हर्ष के आर जी, जिन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया था।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी सारी अपडेट सारे लिंक आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर मिलती रहे, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ट्विटर, लाइक, टिकटॉक, जितने भी है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देखें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने की। जाने से पहले मैं आपको उन तीन लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल यह था कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टॉप थ्री में जिन्होंने आंसर दिया उनके नाम है विशान एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती हो गया बट इट्स ओके, हम इसको समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आंसर किया है रॉयल टेक्निकल राहुल ने, उसके बाद आंसर किया है सैयद अंसारी ने। वेल डन गाइस, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। जाते जाते आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था। फिर से एक बार सुन लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था। सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।